हेलो स्टूडेंट्स इन द बायोलॉजी 10th क्लास, आज हम चैप्टर नंबर 14 में जो टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। लेट अस स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स द प्रोडक्शन ऑफ गेमेट्स एंड देयर फ्यूजन लाइक फर्टिलाइजेशन। प्रोडक्शन ऑफ गेमेट्स हेयर मीन्स द फॉर्मेशन ऑफ सेक्स सेल्स लाइक स्पर्म्स एंड एग्स। Production of gametes. Gametes are produced in specialized structures of the plant body. Plants में कुछ specialized structures present होते हैं जहाँ पे male और female gametes produce होते हैं. Male और female gametes की production कुछ खास किस्म के structures में होती है. Eggs और sperm की production के लिए plant body में कुछ खास किस्म के structures present होते हैं जहाँ पे इन gametes की formation होती है. फ्लावरिंग प्लांट्स में सेक्सुअल प्रोडक्शन को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें पहले फ्लावर का स्ट्रक्चर अंडरस्टैंड करना होगा। फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, इट्स कंपोनेंट्स आर अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ अ वर्ल। प्लांट बॉडी में फ्लावर को रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बोला जाता है जहाँ इस फ्लावर के कंपोनेंट्स वर्ल्स की शक्ल में अरेंज होते हैं। तो किसी भी फ्लावर में टू टाइप्स के वर्ल्स प्रेजेंट होते हैं। द इनर टू वर्ल्स आर रिप्रोडक्टिव वर्ल्स while the outer two walls are non-reproductive walls. अगर इन walls को हम diagram के through understand करें तो top से जब किसी flower को view किया जाता है तो हमें यहाँ पे four walls नज़र आते हैं। This one is the innermost wall जो कि female gametes बनाता है। Then इस innermost wall के बाहर एक दूसरा inner wall present होता है जिसको stamen बोलते हैं और इसमें male gametes बनते हैं। देन थर्ड वन वर्ल्ड जो है दैट इज़ द आउटर वर्ल्ड एंड द फोर्थ वर्ल्ड इज दिस आउटर मोस्ट वर्ल्ड दैट प्रोटेक्ट्स द इनर वर्ल्ड्स। इस तरह से अगर हम फ्लावर के साइड व्यू को ऑब्जर्व करें तो यहाँ भी फोर वर्ल्ड्स को क्लियरली ऑब्जर्व किया जा सकता है। इनर मोस्ट यहाँ भी ये जो वर्ल्ड प्रेजेंट है दैट इज कॉल्ड द कार्पल। देन इसके बाहर हमें ये जो पोर्शन नज़र आ रहा है दैट इज़ द सेकेंड वर्ल्ड विच इज़ कॉल्ड स्टेमन। देन थर्ड वर्ल्ड जो है ये पिंक पेटल्स की फॉर्म में नज़र आ रहा है एंड दिस लाइट ग्रीनिश पोर्शन इज द आउटर मोस्ट वर्ल्ड दैट इज कॉल्ड सेपल। तो नॉन रिप्रोडक्टिव वर्ल्ड्स में कैलेक्स और करोला आ जाता है वाइल रिप्रोडक्टिव वर्ल्ड में एंड्रोशियम एंड गानेशियम आ जाते हैं। कैलेक्स इट इज ग्रीन इन कलर एंड इट्स यूनिट्स आर कॉल्ड सेपल्स। इस डायग्राम में ये ग्रीन कलर्स के जो सेपल्स हैं दे आर मेकिंग द कैलेक्स। Second one is corolla. It is often brightly colored. Its units are called petals. These darker color petals, they are making the corolla. Corolla में ये petals mostly brightly colors की होती हैं because इन petals के bright color का मकसद insects को pollination के लिए attract करना होता है. Then third one is androecium. It is male reproductive part and its units are called stamens. These are the stamens which are making the androecium and it is the male reproductive part of the flower. The fourth one is the gynoecium. It is female reproductive part of the flower and its units are called corpels. This innermost female reproductive part is called the carpel which collectively make the gynoecium. Next देखते हैं life cycle of a flowering plant. But life cycle को detail में discuss करने से पहले एक बहुत ही important term को यहाँ हम स्टडी करेंगे दैट इज ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। इन द लाइफ साइकिल ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स टू डिफरेंट जनरेशंस ऑल्टरनेट विद ईच अदर। वन इज द स्पोरोफाइट जनरेशन एंड सेकंड इज द गैमेटोफाइट जनरेशन। स्पोरोफाइट जनरेशन हेयर मींस द स्पोर प्रोड्यूसिंग जनरेशन एंड गैमेटोफाइट जनरेशन हेयर मींस द गैमीट प्रोड्यूसिंग जनरेशंस। मींस फ्लावरिंग प्लांट्स के लाइफ साइकिल में ये दोनों जनरेशन प्रेजेंट होती हैं। स्पोर्स भी प्रोड्यूस होते हैं और गैमेट्स लाइक स्पर्म्स और एग भी प्रोड्यूस होते हैं और ये दोनों जनरेशन एक दूसरे के साथ अल्टरनेट करती हैं। स्पोरोफाइट जनरेशन इट इज डोमिनेंट एंड प्रोड्यूसेस हैप्लॉइड स्पोर्स बाय मियोसिस। स्पोरोफाइट जनरेशन मोस्टली डोमिनेंट होती है और इंडिपेंडेंट होती है और इसमें स्पोरोफाइट मियोसिस के प्रोसेस के थ्रू हैप्लॉइड स्पोर्स बनाता है। इट इज डिपेंडेंट ऑन स्पोरोफाइट एंड प्रोड्यूसेस गैमेट्स बाय माइटोसिस। गैमेटोफाइट साइज में स्मॉल होता है। इसके अलावा ये फूड प्रोटेक्शन और डेवलपमेंट के लिए स्पोरोफाइट पे डिपेंडेंट होता है और माइटोसिस के प्रोसेस के थ्रू गेमेट्स प्रोड्यूस करता है। इस अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को इस डायग्राम के थ्रू क्लियरली अंडरस्टैंड किया जा सकता है। इट्स अ स्पोरोफाइट दैट इज हैविंग 2n और डिप्लाइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम। 2n होने की वजह से मियोसिस का प्रोसेस होगा
एंड एज अ रिजल्ट ऑफ मियोसिस इससे हेप्लाइड स्पोर्स बनेंगे एंड बिकॉज ऑफ रिडक्शन डिवीजन इन स्पोर्स में नंबर ऑफ क्रोमोसोम एन होगा. देन दिस स्पोर्स विल डेवलप इंटू गेमेटोफाइट बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस विच इज हेप्लाइड और हैविंग वन एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम. देन इस गेमेटोफाइट में माइटोसिस के प्रोसेस के थ्रू गेमेट्स प्रोड्यूस होंगे बोथ ऑफ द गेमेट्स विच आर हैविंग वन एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स. Then these gametes fuse to form a zygote, where again it is having the 2n number of chromosome. And then this zygote will develop into sporophyte. इस तरह से ये alternation of generation का process चलता है और flowering plants में ये दोनों generations एक दूसरे के साथ alternate करती हैं, like sporophyte and gametophyte generations. Let us see कि alternation of generation का process use करते हुए किस तरह से flowering plants में spores और gametes की production होती है. फर्स्ट स्पोरोफाइट जनरेशन में स्पोर्स की प्रोडक्शन होती है और टू टाइप्स के स्पोर्स बनते हैं, माइक्रोस्पोर्स एंड मेगास्पोर्स. माइक्रोस्पोर्स जो कि फ्लावर के मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में बनते हैं और मेगास्पोर्स जो कि फ्लावर के फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में बनते हैं. माइक्रोस्पोर्स इनसाइड द पोलन सैक्स ऑफ एंथर हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस. इट्स अ डायग्राम ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट जिसे स्टेमन बोलते हैं. इसके टू पार्ट्स होते हैं, ये थ्रेड लाइक जो स्ट्रक्चर है इसे फिलामेंट बोला जाता है और ये जो सैक लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है इट इज कॉल्ड एंथर. इस पोलन सैक में मियोसिस के प्रोसेस के थ्रू पोलन ग्रेन्स या माइक्रोस्पोर्स बनते हैं और यही माइक्रोस्पोर्स जो हैं ये मेल गैमेटोफाइट को बनाते हैं. नेक्स्ट आर द मेगास्पोर्स. इनसाइड ओवरी वन टू मैनी ओव्यूल्स आर प्रेजेंट. ईच ओव्यूल हैज वन हैप्लाइड माइक्रोस्पोर दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय द मियोसिस. इट्स अ डायग्राम ऑफ फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर दैट इज कॉल्ड कार्पल और पिस्टल. इसके थ्री पार्ट्स होते हैं, टॉप मोस्ट पार्ट को बोलते हैं स्टिग्मा, देन इस नेक लाइक पोर्शन को बोलते हैं स्टाइल एंड दिस स्वोलन पोर्शन इट इज कॉल्ड ओवरी. ओवरी के अंदर यहाँ पे वन टू मैनी ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं. हर ओव्यूल के अंदर यहाँ मियोसिस के प्रोसेस के थ्रू हैप्लाइड मैक्रोस्पोर बनते हैं जो कि फीमेल गैमेटोफाइट को बनाते हैं. लेट अस सी के माइक्रो और मैक्रोस्पोर्स से किस तरह से मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट बनते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं माइक्रोस्पोर से मेल गैमेटोफाइट कैसे बनता है. द न्यूक्लियस ऑफ माइक्रोस्पोर अंडरगोज माइटोसिस एंड प्रोड्यूसेस टू न्यूक्लियाई. वन इज द ट्यूब न्यूक्लियस एंड अदर इज द जनरेटिव न्यूक्लियस. दिस डायग्राम इज शोइंग अस द कंप्लीट लाइफ साइकिल ऑफ अ फ्लावरिंग प्लांट. इट्स अ स्टेमन और मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर जिसमें मियोसिस के थ्रू माइक्रोस्पोर्स बनते हैं. वन डिप्लाइड माइक्रोस्पोर मदर सेल से मियोसिस के प्रोसेस के थ्रू फोर हेप्लाइड माइक्रोस्पोर्स बनते हैं. देन हर माइक्रोस्पोर में न्यूक्लियस माइटोसिस के प्रोसेस के थ्रू डिवाइड करता है और टू न्यूक्लियाई को फॉर्म करता है. वन न्यूक्लियस इज कॉल्ड द जनरेटिव न्यूक्लियस एंड अनदर इज कॉल्ड द ट्यूब न्यूक्लियस. देन ये जनरेटिव न्यूक्लियस डिवाइड होकर टू स्पर्म्स को फॉर्म करता है और इस तरह एक जर्मिनेटिंग माइक्रोस्पोर में टू स्पर्म्स और एक ट्यूब न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है. इस स्टेज पे इस माइक्रोस्पोर को बोला जाता है मेल गैमेटोफाइट. लेट अस सी द फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट. माइक्रोस्पोर्स प्रोड्यूसेस एन एग सेल एंड एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस. इट्स अ डायग्राम ऑफ कार्पल और फीमेल पार्ट ऑफ अ फ्लावर. इस तरह फ्लावर के फीमेल पार्ट में ओवरी के ओव्यूल्स में डिप्लॉयड माइक्रोस्पोर मदर सेल्स प्रेजेंट होते हैं और इन माइक्रोस्पोर मदर सेल्स में एज अ रिजल्ट ऑफ मियोसिस इससे फोर हैप्लाइड माइक्रोस्पोर्स बनते हैं. देन इन माइक्रोस्पोर्स में माइटोसिस के रिजल्ट में एग सेल और कुछ एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स बनते हैं एंड दिस इज कॉल्ड द फीमेल गैमेटोफाइट. सो इन दिस वे माइक्रोस्पोर्स से मेल गैमेटोफाइट और माइक्रोस्पोर्स से फीमेल गैमेटोफाइट की फॉर्मेशन होती है एंड फर्दर ये मेल और फीमेल गैमेटोफाइट्स गैमेट्स लाइक एग्स और स्पर्म्स को फॉर्म करते हैं. Next step is the pollination. When pollen grains mature, they are transferred to the stigma where tube nucleus of pollen grain makes a pollen tube. The tube enters the ovule and bursts to release the sperms. Mature pollen grains ke stigma par transfer hone ke process ko pollination bola jata hai. Is pollen grain mein maujood tube nucleus ek tube ko form karta hai jiska main function sperm ko egg tak le jana hota hai. सो इन दिस वे ये पोलन ट्यूब ग्रो करती करती फाइनली ओव्यूल में एंटर हो जाती है और यहाँ एंटर होने के बाद बर्स्ट हो जाती है और अपने अंदर से स्पर्म्स को रिलीज कर देती है.
After pollination, the next step is of the fertilization. And the term which is used here is double fertilization. One sperm fuses with the egg and forms a diploid zygote. The other sperm fuses with the diploid fusion nucleus and forms the triploid 3N nucleus called the endosperm nucleus. As we know, इस pollen grain के पास two sperms present होते हैं, तो एक sperm egg को fertilize करता है और fertilize करने के बाद diploid zygote को form करता है. जबकि दूसरा sperm इस diploid fusion nucleus के साथ fuse करता है और एक triploid which means 3N, it is containing three nucleus inside, को form करता है, that is called the endosperm. So two times fertilization occurs there. One is the fertilization of egg, which forms a diploid or 2N zygote, while the fertilization with second sperm forms the endosperm or 3N triploid. The next step is the formation of embryo and endosperm. After fertilization, the zygote develops into embryo, while endosperm nucleus develops into endosperm tissue. Formation of seed and fruit. Ovules become seed and ovary changes into the fruit. So after fertilization, the zygote develops into embryo while the endosperm triploid nucleus develop into endosperm tissue. Ovary में मौजूद ये ovules जो हैं, ये future fruit के seeds बनाते हैं, while जो ovary है, that makes the fruit. Formation of new plant. When seeds mature and disperse during favorable conditions, embryo develops into new plant. So as a result of dispersal of seeds, जब favorable conditions available होती हैं, तो ये सीड जर्मिनेट कर जाते हैं और जर्मिनेट होकर एक न्यू प्लांट में डेवलप हो जाते हैं. सो इस तरह से फ्लावरिंग प्लांट्स अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट करते हैं बाय यूजिंग द वे ऑफ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन. फर्स्ट इज द स्पोर प्रोड्यूसिंग जनरेशन एंड सेकंड इज द गैमेट प्रोड्यूसिंग जनरेशन. तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जिसमें हम सीड्स का स्ट्रक्चर, उसके जर्मिनेशन और डेवलपमेंट को स्टडी करेंगे. थैंक यू.